हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। और जस्ट मैंने एक वीडियो का एंड किया है, दूसरा मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। और मैं कपड़े जो धुले थे, मैंने आप लोगों को बताया पिछले वीडियो में कि बहुत सारे कपड़े मैंने धुले हैं। और मैं ना यहाँ वीडियो मतलब कैमरा ऑन कर दी थी, मैं बाहर चली गई थी कपड़े लेने के लिए, और तब तक मेरी छोटी बाबू ऑफ कर दी, तो इस कारण से नहीं दिखाया। तो देखे, बाहर से मैं भी लेकर के आ गई हूँ, और जो दूसरे रूम में रखा हुआ था वो भी लेकर के मैं आ गई हूँ। और यहाँ मैं साथ के साथ दो कपड़े ला करके मैं रख दी हूँ। उसके बाद इधर मैं किचन आ गई हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ। और देख सकते हैं थोड़ा किचन मेरा फैला हुआ है, क्योंकि इधर भी करो उधर भी करो तो थोड़ा हो जाता है ना, तो इसी का वजह से। तो क्योंकि ऐसे अगर देखिए किचन में आगे खाना बना रहे हैं, साथ के साथ ये भी काम कम्प्लीट कर लिए। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ, और देखिए मेरी बेटी भी मेरे आगे पीछे घूम रही है। क्यों घूम रही है मुझे नहीं पता, लेकिन घूम रही है। और बस इधर का भी काम कर रही हूँ, साथ में रूम का भी। जब मेरा ये रहता है ना कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ शाम का भी, लेकिन हो नहीं पाता है। क्योंकि देखिए वीडियो का भी काम मुझे हो जाता है, वीडियो भी शूट करना होता है, साथ ही उसे अगर टाइम मिलता है तो एडिटिंग भी कर लेती हूँ, तो इस कारण से टाइम नहीं मिलता है, कैसे टाइम मिलेगा। और तो घर का भी काम हो ही जाता है। अब देखिए आप ही लोग सोचिए कि अगर हम जिस जैसे हैं, अगर हम वैसे ही काम करते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर हम साड़ी पहन करके अपने आप को तैयार करके फिर से काम करेंगे, थोड़ा हो ही जाता है काम में लेट। और वीडियो शूट करने में तो आप लोग को पता है काम और वीडियो शूट दोनों। अब जैसे देखिए इधर काम कर रहे कंटिन्यू कर ले या इंसान, लेकिन पहले कैमरा सेट करो फिर काम करो तो थोड़ा हो जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत करती हूँ, तो आप लोग का भी तो फर्ज बनता है ना कि मेरा सपोर्ट करें। तो गाइस प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए गाइस, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिए। और क्योंकि ऐसे भी ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, थोड़ा शॉर्ट ही रहता है वीडियो कि ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मुझे भी ज़्यादा ये नहीं परेशानी हो। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो फिर से कर रही हूँ गाइज, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ कमी लगती है मेरी वीडियोज में कि हाँ ये नहीं ऐसे करना है, तो आप लोग बता सकते हैं, मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा। अगर कुछ आप लोगों को कमी दिख रही है मेरी वीडियो में तो बता सकते हैं आप। तो यहाँ मेरी बाबू मुझसे गुस्सा होकर के लेटी हुई थी, तो उसे मैं मना रही हूँ। और बस यहाँ देख सकते हैं कि धोबी घाट बनाओ कितना ज़्यादा कपड़ा है, इसे मुझे अभी फोल्ड करना है, क्योंकि अगर अभी फोल्ड नहीं किया तो फिर ये फोल्ड होगा फिर से कल, मतलब आज तो फिर होगा नहीं, इस कारण से मुझे अभी हस्बैंड के आने से पहले मुझे फोल्ड करना है। तो इस कारण से मैं अभी फोल्ड करूँगी, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ मतलब बहुत गर्मी है, इस कारण से मैंने रूम का फ़ैन ऑन कर रखा है। और ये बेडशीट मैंने आज ही चेंज किया है, इस कारण से बेड पर कपड़े रखी हूँ, अदरवाइज अगर जिस पर हम लोग सोते हैं उस पर मैं कपड़े नहीं रखती हूँ। तो सुबह में ही मैंने चेंज किया था, तो इस कारण से भी यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा अपना, आराम से मैं कर लूँगी कपड़े रख करके, क्योंकि मतलब बेड पे रख करके फोल्ड कर लूँगी। ऐसे हमारे रूम में जूठा नहीं रहता है, फिर भी मैं कपड़े नहीं रखती हूँ बेड पे, क्योंकि हम लोग सोते हैं ना, तो इस कारण से मैं नहीं रखती हूँ। इतना ज़्यादा कपड़ा था ना कि फोल्ड करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई, सच बताऊँ। और एक चीज़ और है कि मेरे से ना बैठ करके ज़्यादा कपड़े फोल्ड नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा है कि खड़ी होकर के भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी किचन में इतना देर खड़ी रहे, काम भी तो बहुत हो जाता है गाइज। Oh,
वाइज तो कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं और जो भी सेट करने का अलमारी में मैं सेट कर देती हूँ। तो ये सब ये इस रूम का जो अलमारी है उसमें मैं अपना और अपने हस्बैंड का रखती हूँ, और दूसरे रूम में जो अलमारी है उसमें दोनों बाबू का रखती हूँ। तो ये वाला अलमारी में मैं अपना और अपने हस्बैंड का सेट कर रही हूँ, और बाबू दोनों का मैं अलग फोल्ड करके रख दी थी। तो बड़ी बाबू को मैंने बोला कि बेटा जाओ अलमारी में सेट कर दो, तो वो सेट कर देती है। वैसे भी छोटी बाबू अलमारी को कभी सेट रहने नहीं देती, वो हमेशा फैला ही देती है, ऐसे निकालती है ना कपड़े खुद से, दोनों निकालती है पहनने के लिए। मैं निकाल करके दे भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बड़ी बाबू तो पहन लेती है, लेकिन छोटी इतनी बदमाश है कि उसे खुद पहनना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, पूरा अलमारी फैला के रख देती है। मैं उसे कितना भी सेट करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाबू बोलती भी बड़ी वाली, मम्मा आपका अलमारी कितना अच्छे से सेट रहता है, और मेरे रूम का अलमारी ना कोश की फैला करके रख देती है, सच में फैला। और उसे कुछ नहीं मिलता है तो दीदी वाला जो कपड़ा रहता है उसे भी वो निकाल करके फेंक देती है। मैंने आप लोगों को एक दिन दिखाया भी था, ऐसे ही करती है वो, खुद का भी करती है और दीदी का भी कर देती है। तो बड़ी बाबू को मैं बोलती हूँ कि बेटा अलमारी में सेट कर दीजिए, तो कर देती है। वो सब मैं नहीं दिखा सकती वीडियो में, क्योंकि मैंने एक बार दिखाया था ना तो मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी, बच्चे का कुछ नहीं दिखा सकते। सो गाइस, तो सारा इतना सारा कपड़ा था फोल्ड करते करते हालत ख़राब हो गया, लेकिन सब मैंने फोल्ड कर लिया है, आखिर इतनी बड़ी जंग मैंने जीत ली है, और सब फोल्ड करके सबको सेट कर दिया है। बस थोड़ा सा बचा है जिसे मुझे रखना है, जैसे कि एक साड़ी थी वो रखना है, कुर्ता वगैरह ये सब रखना है, और बाबू का कपड़ा आधा मैंने रख दिया, आधा बाकी ये सब रखना है बस, बाकी सबको मैंने सेट कर दिया है। हालत तो ख़राब हो गई है, इतनी भयानक गर्मी है। लंच भी मेरा बन गया है, क्योंकि बीच बीच में लंच भी उधर भी देख रही थी इधर भी आ रही थी, और ये करते हुए मुझे लगता है 10-15 मिनट हो गया, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो कपड़ा का काम हो गया, लंच भी बन गया है, बस आप सबको खाना खिलाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, अभी हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए हैं, बाबू दोनों को देती हूँ, वो दोनों खा लेगी। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलूंगी बाद में, थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ, क्योंकि हालत ख़राब हो गई, सुबह से कंटिन्यू जो लगी हूँ, थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया है, और बस चलिए मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। सो गाइस, तो शाम का टाइम है और मैं यहाँ किचन में फिर से आ गई हूँ और डिनर बनाने के लिए। हम औरतों को ना कभी भी किचन से फुर्सत नहीं मिल सकता है, चाह करके भी नहीं मिल सकता है कि हाँ चाहें, अगर हाँ एक आध टाइम अगर हो गया कि कहीं चलो कहीं खा लिए तो दूसरा बात है, लेकिन ऐसे हम लोग को किचन से फुर्सत नहीं मिल सकता है, किचन में ही घुसना है। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि अभी हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, इस कारण से मैं यहाँ सब्जी सोची बना लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग को अभी बाहर, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे मार्केट भी जाना है बाबू का ड्रेस बाबू रिटर्न करने के लिए, तो इस कारण से मैं सोची कि फिर आने में लेट हो जाएगा, तो मैं खाना बना करके ही जाती हूँ, तो सिर्फ रोटी सेकने का रहेगा। तो मैं यहाँ परवल आलू की सब्जी बना रही हूँ, तो बस कटिंग तो हो गई, और देखिए मैंने सब्जी रख दिया है, आटा भी लगा लूँगी, आटा उटा लगा करके फिर मैं डायरेक्ट जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड सो गए थे तो इसी वजह से थोड़ा वो लेट हो गए, और फिर यहाँ तो शाम को तो पता ही है कि शाम का भी काम हो ही जाता है, तो जैसे कि कपड़ा वगैरह तो फोल्ड करने को नहीं है, क्योंकि मैं सुबह ही कर ली थी, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सब रखा हुआ है, क्योंकि दोपहर में ना आजकल बहुत तो दोपहर में बहुत गर्म पानी आता है, तो बर्तन नहीं धुल सकते हैं इसी कारण से, और फिर शाम को ही धुलना पड़ता है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।